प्रवक्ता ग्रंथ के लेखक कहते हैं, ईश्वर की सोच मनुष्य के सोच से अलग है। ईश्वर कभी भी बुराई के विरुद्ध बुराई मनुष्य को नहीं देता है। और वही एक उदाहरण आज का पहले पाठ में हमें देखने को मिलता है। यूसुफ अपने भाइयों को एक मसीह बन के आज आगे आते हैं। कल के पाठ में हम लोग सुने थे किस प्रकार से वो लोग डरते हैं अपने भाई से मिलने के लिए, और आज स्वयं यूसुफ अपने भाइयों को पहचानते हैं, उनके लिए अपना प्यार देते हैं। उतना ही नहीं, जो वे उनको जरूरतों के उनके पास लेके आए थे उनको वह पूरा करते हैं। प्यारे विश्वासियों, यदि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आपके लिए मेरे लिए आए थे, उनको भी परेशानियां उठाने पड़े। अपने ही लोग, अपने परिवार के लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, एक नबी को अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने घर में कभी भी सम्मान नहीं मिलती है। फिर भी क्या प्रभु यीशु मसीह ने अच्छाई करना छोड़ दिया था? क्या प्रभु यीशु मसीह एक ईश्वर का पुत्र थे, ईर्ष्या के विरुद्ध ईर्ष्या किया लोगों से? नहीं। आज का पहला पाठ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा हो जाता है। यूसुफ वहां पे पुराने व्यवस्थान में जो करता है, नया व्यवस्थान में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को करते हैं। भले ही उनको अपने ही लोग नकारते हैं, दूर रखते हैं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनको मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। आज का दूसरे पाठ में यही यीशु समाचार में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे एक बुलावा देते हैं। आज बुलावा यह है, जो प्रभु को हम अनुभव करते हैं, जो प्रभु का सुसमाचार को हम लोग सुनते हैं, जो प्रभु का शिष्य हम सभी बने हैं, हमारे अंदर नहीं रखने के लिए, हमें दूसरों में बांटना है। हमें एक कर्मठ प्रभु का शिष्य बनना है, दिन प्रतिदिन अच्छाई करते जाना है, बुराई के विरुद्ध लड़ना है और एक पक्का क्रिस्तीय बनना है। खैर, आज के दिन लोगों के बीच में जाके प्रवचन देना, प्रभु का वचन को पढ़ना शायद ही संभव है, लेकिन आपका और मेरे जीवन के द्वारा स्वयं प्रभु को हम दूसरों के सामने पेश करते हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को दो दो करके बेचते हैं, उनका वचन को, उनका सुसमाचार को, उनके अच्छे कार्यों को दूसरों में बांटने के लिए। क्या इस कार्य के लिए मैं तैयार हूं? क्या सचमुच मैंने प्रभु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया है? मनन चिंतन करिएगा और प्रभु स्वयं आपको उत्तर देगा। आमीन।